सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। आज के क्लास में हम देखेंगे प्रश्न बैंक, कक्षा दसवीं का प्रश्न बैंक हिंदी विषय का, और यह सत्र 2022-23 का है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी इस प्रश्न बैंक के सर्वप्रथम हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए, सर्वप्रथम इसकी बात करते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल जो है वो भक्ति काल है। आधुनिक काल का आरंभ होता है, आधुनिक काल संवत 1900 से स्टार्ट हो जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। इसमें पूछा गया है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं, तो इसमें सूरदास नहीं है। प्रयोगवाद के कवि हैं अग्रेजी, नई कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक है। इसी पर अगर हम चर्चा करें तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से संवत 1375 तक माना, और भक्तिकाल को 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है। आगे रीतिकाल को संवत 1700 से 1900 तक, और 1900 से अब तक ये आधुनिक काल माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है तो कृष्ण के लिए किया गया है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं कड़वी ककड़ी सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो इसका हो जाएगा हारिल की लकड़ी से। व्याधि शब्द का अर्थ है तो रोग होता है। शोर के पद में भाषा है ब्रजभाषा। मर्यादा नालही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। ये बात प्रेम संबंध में कही की गई है। प्रश्न नंबर 14। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, सूर के आराध्य हैं श्री कृष्ण। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। सूर की रचना नहीं है विनय पत्रिका। परशुराम के व्यंग भरे उत्तर दिए लक्ष्मण ने। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम। रामचरित मानस की भाषा है अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है अनुप्रास। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर देखते हैं। प्रसाद जी को कमायनी पर पारितोषिक मिला, मंगला पारितोषिक। इसका उत्तर लगाइए मंगला पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है तो साय में धूप। उस साय कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है बाल कल्पना। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है नवजीवन वाले। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है आकाश को घेर कर बरसने को। कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है तो जन सामान्य की पीड़ा का संकेत किया है। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक का नाम है नागार्जुन। अब चलते हैं
रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर। प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए और इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य की भक्ति किस भाव की थी? तो साक्ष भाव की। सूर्य जन्मांध थे। गोपियां उद्धव को मानती हैं बड़भागी। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। सूरदास का निधन पारसौली में हुआ। गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए कृष्ण को दिया मधुर संबोधन कृष्ण के लिए दिया। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल रस के कवि हैं। योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से वृंदावन आए हैं। छुअत टूट रघु पति हूँ न दोषु खाली स्थान कथन का है। तो यह कथन लक्ष्मण का है। छुअत टूट रघु पति हूँ न दोषु, तो इस यह जो कथन है वो लक्ष्मण का है। और परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था। यहाँ लिखा खाली स्थान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो कायर व्यक्ति। परशुराम के गुरु का नाम जो था वो था भगवान शिव। कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। आलिंगन में आते आते मुशख्या जो भाग गया। निराला ने बादलों से बरसने के का आग्रह कर रहे हैं। निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया है। उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में मिलती हैं। दुविधा साहस का शाब्दिक अर्थ है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब चलते हैं सही जोड़ी पर। थोड़ा जल्दी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और आप सभी छात्र इसको अच्छे से देख लें। सही जोड़ी में सूर के पद, ये आपका सूरदास का है, सूर के पद को मिलाइए सूरदास से। उत्साह जो है वो निराला की कविता है। निराला जो है वो यहाँ पास इसको कृपया फिर इसको पुनः देखते हैं। चलिए निराला की जो रचना है वो अट नहीं रही है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास की है और आत्मकथ जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा सही जोड़ी देखते हैं, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। और साहित्य लहरी ये सूरदास की है। युगधारा नागार्जुन की है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। तीसरा सही जोड़ी, तुम्हारी यह, इसका हो जाएगा दंतुरित मुस्कान, थके पथिक की पंथा की हो जाएगा। मुख्य गायक की गरज में मन की मन ही माज रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। चौथा सही जोड़ी, सूरदास का जन्म
सन 1478 को और मृत्यु 1583 को हुई। तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु देखें तो सन 1532 में जन्म और सन 1623 में मृत्यु। जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु तो इसका हो जाएगा पहला सन 1889 को जन्म और सन 1937 को मृत्यु। निराला का जन्म एवं मृत्यु तो इसका हो जाएगा सन 1899 को जन्म और 1961 को मृत्यु। नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु इसका हो जाएगा सन 1918 को जन्म, सन 1994 को मृत्यु। मंगलेश डबराल का जन्म 1984 को। आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो उत्तर होगा प्रजा का हित करना या प्रजा की रक्षा करना। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो सूर सारावली के कवि का नाम सूरदास है। चौथा है, क्षितिज भाग दो में संग्रहित सूर के चार पद कहाँ से लिए गए हैं? तो उत्तर होगा सूर सागर के भ्रमर गीत से। सूर सागर उनका काव्य संग्रह और उसके भ्रमर गीत नामक खंड से लिए गए हैं। और पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो उद्धव पर छोड़े हैं। और छठवां है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो उत्तर होगा बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर काशी में। नौवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए? तो गुरु विश्वामित्र के साथ आए। उत्तर होगा गुरु विश्वामित्र के साथ। नौवां प्रश्न, बालकु बोली बधी नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? उत्तर अनुप्रास अलंकार। दसवां प्रश्न, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उत्तर कोहड़े का फूल उंगली दिखाने से मुरझा जाता है। ग्यारहवां, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? उत्तर सरल स्वभाव को। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? उत्तर होगा निराशा का प्रतीक है। तेरह नंबर प्रश्न, आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथ कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 14, प्रेसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? उत्तर होगा ऊषा काल की अरुणिमा से। प्रश्न नंबर 15, प्रसाद के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? उत्तर होगा जीवन का सुख। प्रश्न नंबर 16, बादल के हृदय में कौन छुपा है? उत्तर होगा विद्युत या बिजली। प्रश्न नंबर 17, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? उत्तर होगा गर्मी से बेहाल या गर्मी से जूझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 19, बादल किस दिशा से आते हैं? उत्तर होगा अज्ञात दिशा से। प्रश्न नंबर 20, तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? उत्तर होगा सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। इसके बाद चलिए चलते हैं सत्य असत्य पर और सत्य असत्य को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए
अपने मन को वापस मांग रही हैं, सत्य है। दूसरा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगता है, असत्य है, क्योंकि उद्धव का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह लगता है, कड़वा लगता है। चौथा, योग संदेश सुनकर गोपियों की तरह, फिर से इसको सुनिए, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, सत्य है। राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए, ये भी सत्य है। छठवां, शिव धनुष राम ने तोड़ा, ये भी सत्य है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, ये भी सत्य है। आठवां, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये असत्य है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, यह सत्य है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। प्रश्न नंबर 10 था, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 11, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, सत्य है। प्रश्न नंबर 12, आत्मकथ कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, तो ये आपका सत्य है। प्रश्न नंबर 13, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, सत्य है। कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, ये असत्य है। 14 नंबर असत्य है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने निजी जीवन के अनुभवों को दूसरों से नहीं बांटना चाहते थे। प्रश्न नंबर 15, कवि प्रसाद ने अपने मन को भावरे का रूप दिया है, 15 नंबर सत्य है। 16, अट नहीं रही नामक कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, 16 नंबर सत्य है। 17, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, तो ये सत्य है। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, ये भी सत्य है। 19 नंबर, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। और प्रश्न नंबर 20, निराला प्रगतिवादी कवि हैं, ये भी एक तरह से देखा जाए तो सत्य है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ संशय की बात भी है। अब देखिए, यह प्रगतिवादी कवि क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनकी कई रचनाएं जो हैं वो प्रगतिवाद में ही इन्होंने लिखी हैं, और प्रगतिवाद की ये रचनाएं इनकी हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, अरिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना आदि, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, इसीलिए निराला को प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये छायावादी कवि हैं। छायावादी इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये निराला प्रगतिवादी एवं छायावादी दोनों प्रकार के कवि हैं, ऐसा कहा जा सकता है। प्रगतिवादी कवि इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी रचनाएं कुछ प्रगतिवाद में लिखी गई, और रचनाओं में जो प्रगतिवाद के जो गुण हैं, जो लक्षण है, वो इनकी रचनाओं में मिलते हैं। और इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है क्योंकि छायावाद को इन्होंने मानवीकरण, जो प्रकृति है उसका मानवीकरण करके अपनी रचनाओं को रखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कुछ और देखिए, ये प्रश्न है लघु त्रि प्रश्न। इन प्रश्नों को आप सभी लोग अच्छे से, सभी छात्र इनको आप हल कर लेंगे, अपनी कॉपी पे इन प्रश्नों को लिखेंगे और इनके उत्तर आप
अपने से या किताबों में ढूंढ करके आपको अपने टीचरों से संपर्क करके मदद से आप इनको अच्छे से कर लेंगे। ये आपके प्रश्न बैंक जो थी उन्हीं में से ये प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या जो आपके लघु उत्तर हैं वो आपके 38 हैं। कुछ प्रश्नों को मैं देखता हूँ, जैसे मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ, जैसे पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। भक्ति के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना, ये भी महत्वपूर्ण है। छायावाद के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है, इस प्रकार से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, तो आप इनको पढ़ लेंगे और इनके उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर हल करेंगे। इसके बाद देखिए भावार्थ, ये भावार्थ है, भावार्थ भी आपको इनके करने हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हमारे हरिहारेल की लकड़ी, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी बादल गरजो। तो बादल गरजो, विकल विकल, उन्मत उन्मन थे उन्मन, और सातवां है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, एक के नहीं दो के नहीं अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो। ये 10 आपके जो दिए गए हैं पद्यांश, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश इनमें से हैं। नंबर 1 उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसे भी देख लीजिए अच्छे से। बादल गरजोरे, इसे भी आप देखिए अच्छे से। इसी प्रकार नाथ संबुधनु भंज निहारा भी, तो ऐसे करके महत्वपूर्ण सभी हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी कुछ अलग या कुछ विशेष इन प्रश्नों की ज़रूर तैयारी करेंगे आप सभी छात्र। तो इस प्रकार से इनको आप हल करेंगे। अगले जो वीडियो में हम मिलेंगे, तो हम मिलेंगे इकाई 2 काव्य बोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को पुनः पुनः एक बार नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।